देखिए आज हम बेसन का सब्जी बना रहे हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हम बर्तन ले लिए हैं, उसमें हम बेसन ले रहे हैं। तो देखिए हम 2 से 3 चम्मच बेसन ले रहे हैं, बड़ी चम्मच से बेसन लिए हैं। अब हम पानी डाल करके अच्छी तरह से बेसन को मिला लेंगे। तो देखिए पानी डाल रहे हैं, तो इस तरह से बेसन के अनुसार हम पानी डाल लिए हैं। ज़्यादा घोल पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, और चम्मच से इस तरह से मिला लेंगे जिससे कि दाना दाना ना रहे। तो देखिए बेसन का घोल अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम मसाला पीस लेते हैं। तो मसाला में देखिए ये लाल मिर्ची है, सूखी मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, थोड़ा 1 चम्मच जीरा है, और धनिया है, लहसुन है, मिर्चा है। मसाला को पीस लिए हैं। अब हम बेसन का घोल में 2 चम्मच मसाला को डाल लेंगे। तो इस तरह से हम मसाला 2 चम्मच डालेंगे, थोड़ी सी नमक डालेंगे। तो इस तरह से हम नमक देखिए डाल करके और मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो देखिए बहुत अच्छा से घोल तैयार हो गया है ये। तो अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच के बराबर सरसों तेल डालेंगे। अब इसमें हम जो घोल तैयार किए हैं उसको डाल करके अच्छी तरह से चलाएंगे, चलाते रहना है ताकि कढ़ाई में चिपके नहीं, बेसन बहुत जल्दी ही चिपकने लगता है। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। और ये देखिए गाढ़ा हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है। इसके बाद हम थाली में थोड़ी सी तेल लेकर के चारों तरफ तेल लगा दिए हैं ताकि बेसन थाली में चिपके नहीं। तो इस तरह से हम बेसन को डाल लेंगे थाली में। तो सारा बेसन डाल दिए हैं। अब हम हाथ से ऐसे करके फैला देंगे, हाथ में थोड़ा सा पानी डाल करके फैला करके अच्छी तरह से बर्फ़ी जैसा काट लिए हैं। तो देखिए इस तरह से बर्फ़ी का आकार काट लेंगे। इसके बाद हम सरसों तेल डालेंगे कढ़ाई में और सारा इस तरह का बेसन को हम अच्छी तरह से तल लेंगे। तो देखिए एक एक करके हम डाल रहे हैं, जो बेसन का बर्फी बनाए हैं उसको अच्छी तरह से तल लेंगे। अगर मेरी ये सब्ज़ी की आप लोग को रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल पर पहली बार होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी मेरी सब्ज़ी, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा सब्ज़ी बना है। तो देखिए इस तरह से सारा हम तल लिए हैं। अब हम मसाला फ्राई करेंगे। तो मसाला फ्राई करने के लिए सरसों तेल में 1/2 चम्मच मेथी दाना डाले हैं, 2 लाल मिर्च डालेंगे, 1 कटा हुआ बारीक प्याज डाल लेंगे। सबको भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो मसाला दिखाए हैं वही मसाला पीसे हैं। मसाला में सरसों, धनिया, लहसुन और थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है, यही मसाला है। तो मसाला को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला देखिए 5 मिनट तक भूनेंगे। मसाला भुजा गया है तो अब हम एक टमाटर डाले हैं, टमाटर और साथ में नमक भी डाले हैं। तो मसाला को भून लिए हैं, मसाला देखिए अच्छी तरह से भुंजा गया है, तेल देखिए मसाला छोड़ने लगा है, तो पता चल रहा है कि मसाला भुंजा गया है। तो अब हम पानी डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम मसाला भुंजा गया है तो पानी डाल करके अच्छी तरह से चला लेते हैं मसाला को। मसाला देखिए ये ग्रेवी तैयार हो गया है। तो अब हम जो बनाए थे बेसन वाला बर्फी का पकौड़ी उसको हम डाल दिए हैं। अब हम 5 मिनट तक इसमें पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से सब्जी बन गया है। देखिए उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से सब्जी का मेरा रेसिपी तैयार हो गया है। जब कभी घर में हरी सब्जी नहीं होता है तो बेसन तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है, ये सब्जी बना लेते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है ये सब्जी इस तरह से।